गुरुवार की रात 7 बजे राजमार्ग 44 पर तहसील और SDM कार्यालय के सामने नगर के नागरिकों, व्यापारियों और किसानों ने बिजली कटौती और अनाप शनाप बिजली बिलों के विरोध में चक्का जाम कर दिया। खबर मिलने पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से चर्चा कर आश्वासन दिया, जिससे चक्का जाम समाप्त हुआ। SDM प्रकाश नायक ने बिजली व्यवस्था में सुधार और शिविर लगाकर बिजली बिलों को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। जिलाधीश महोदय से चर्चा हुई है और अनुभागीय अधिकारी यहाँ मौजूद है, उनको कहा है कल से शिविर लगाएं और जो बढ़ के बिल आए उनको कम करें, जांच करवाएं और जो बिजली की सप्लाई कहाँ से गड़बड़ी हो रही इसकी भी जाँच करें। ये उनको हमने कहा है, उनने आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन के अंदर ये सब कार्रवाई करवा के विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का भी फोन आ गया है। उन्होंने कहा 3-4 दिन में हम इसका समाधान करेंगे और कहीं गड़बड़ी है तो हम कार्रवाई। नागरिकों ने तेज गति और ओवरलोड डंपरों से हो रही दुर्घटनाओं की भी शिकायत की। पूर्व मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को डंपरों के कागजात चेक कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अवैध रेत कारोबार पर भी चर्चा हुई और अब यह सवाल उठता है कि क्या पूर्व मंत्री के निर्देशकों के बाद डंपरों पर कार्रवाई होगी। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज। पुलिस विभाग इस पर कार्रवाई करे, कोई दुर्घटना का हो समय निश्चित करे, ओवरलोड जा रहे हैं उस पर कार्रवाई करे, वो मान्य न्यायालय के निर्देश का पालन आदेशों का पालन करे और व्यवस्था पूरी दुरुस्त रखे, किसी तरह की कोई घटना चिंतित न हो।